अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट शाहजहान चौधरी साहब जो डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इस इंक्यूबेशन सेंटर की जो फैसिलिटीज़ हैं, हाउ दिस इज़ यू नो एमिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द स्टार्टअप इको सिस्टम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शाहजहान साहब। यू वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विद द मिशन एंड विजन ऑफ दिस इंक्यूबेशन सेंटर और ओवरऑल चेन ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स इन पाकिस्तान। देखिए, इनोवेशन जो है वो क्लस्टर्स में होती है। सिलिकॉन वैली में एक क्लस्टर है टेक कंपनीज का, वहाँ भी इनोवेशन होती है। हॉलीवुड में एक क्लस्टर है ऑफ फिल्म मेकर्स का, वहाँ पर मूवीज अच्छी बनती हैं। बॉस्टन में बायोटेक का क्लस्टर है, शेंजन में हार्डवेयर का क्लस्टर है। सो इनोवेशन जो कि क्लस्टर्स में होती है, तो उसका एक अर्ली सीड है दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स। और इनका स्केल जो है, यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स की ज़रूरत है या नहीं है। सो मेरा ओपिनियन ये है कि हमें क्लस्टर बनाने के लिए इतनी स्पेस चाहिए कि वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग करीब यू नो प्रॉक्सिमिटी के अंदर जो है एंगेज करते हुए काम कर रहे हों। 1 लाख 2 लाख या 5 लाख लोगों के लिए आपको 10 मिलियन स्क्वायर फुट स्पेस चाहिए। तो दिस फैसिलिटी इज़ 20,000 स्क्वायर फुट। ठीक है, तो इट्स अ बिगिनिंग इन दैट डायरेक्शन कि जहाँ पे हमारा कोई क्लस्टर क्रिएट हो सके, जहाँ पे। और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि इनोवेशन उसी वक्त हो सकती है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और मुझे और एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स इनके अपनी इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं आसानी से, बजाय इसके कि मैं 1 घंटा ड्राइव करके कहीं जाऊँ और किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करूँ और फिर 1 महीने के बाद दोबारा उन लोगों से मुलाकात हो। सो कराची को इस तरह की क्लस्टर की ज़रूरत है। इंक्यूबेशन सेंटर्स आर अ बिगनिंग। ये स्मॉल क्लस्टर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है अबाउट 40 स्टार्टअप्स के लिए जिनको हम एंगेज करेंगे इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो इट्स अ बिगनिंग इन दैट डायरेक्शन। अभी भी मेरे ख्याल हम बहुत अर्ली फेज में हैं इस साइकिल की टू क्रिएटिंग अ पावरफुल क्लस्टर। ठीक, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है कि इट्स अ बिगिनिंग एंड दिस इज़ अ बिगिनिंग इन अ ब्रॉडर यू नो ऑब्जेक्टिव। क्लस्टर्स की जहाँ तक बात करते हैं, तो ओवरऑल हमने ऑब्जर्व ये किया कि कराची में भी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ऑलरेडी। यस, एंड हाउ दे आर अलाइंड विद और आर दे अलाइंड विद अस विद दिस नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और दे आर जस्ट डूइंग इन देयर डोमेन्स एंड लेटर ऑन देयर स्टार्टअप्स कैन कम इन हियर। देखिए, आई हैव बीन इन्वॉल्व विद द नेस्ट आईओ फ्रॉम द बिगनिंग। डॉट जीरो भी फरजाल, यूसुफ जान एंड आतिफ एंड इमरान आर गुड फ्रेंड्स। ICCBS का जो सेंटर है, असफर इज़ रनिंग दैट। सो हम लोग जो है सबके साथ मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली अगर हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जहाँ पे यू नो 200,000-300,000-500,000 पीपल फ्रॉम कराची आर इन्वॉल्व और वो दुनिया के साथ कम्पीट करें, तो वो बिल्ड करने के लिए दीज आर डॉट्स, छोटी छोटी यू नो लाइट्स लगी हैं। वो जब कहीं ऐसे ऐसे करीब आएंगे फिजिकली, मतलब आइडली तो एक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी होनी चाहिए, तो और वो सिटी के सेंटर में होनी चाहिए। सो दैट्स द डायरेक्शन वी नीड टू गो टू। और उसके लिए यू नो अगेन यू नो नेस्ट इज़ अ इन्वेस्टमेंट बाय गूगल एंड सैमसंग, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इग्नाइट। ICBS जो है कराची यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर तार रहमान की एफर्ट है। डॉट ज़ीरो प्राइवेट अली, यूसुफ जान, फरजाल वगैरह ने किया है। सो ऑल दीज एफर्ट्स आर गोइंग टू कम टुगेदर इवेंचुअली एंड वी विल यू नो मल्टीप्लाई। और जब एंटरप्रेन्योरशिप मल्टीप्लाई करेगी, तभी हम अपने सिटी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकेंगे, मुल्क के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ब्रॉडली जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे लेके चलती है। आप जब तक टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं करते, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, मिसाल के तौर पे जब ह्यूमंस ने आग बनाई, तो उसके बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन ने फूड कुक करना शुरू कर दिया। जब गंदम उगाने का तरीका, बीज बनाने का तरीका आ गया, तो एक नेक्स्ट स्टेप आ गया, गंदम को स्टोर करने का तरीका आ गया, पहिया बना लिया, यू नो बैलगाड़ी बना ली। तो एवरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पुश्ड ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। अभी हम लोगों का चैलेंज ये है कि हमारे खित्ते के अंदर हमने पिछले कुछ 100 सालों से उतनी इनोवेशन नहीं की है जितनी हमें करने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम पीछे रह गए। सो आज भी यही रिक्वायरमेंट है कि हमने देखना है कि हमारी एजुकेशन के चैलेंजेस हैं, जो कि बहुत हद तक अब डिजिटल मीडियम से सॉल्व हो सकते हैं। हमारे एनर्जी के चैलेंजेस हैं, एनर्जी की कॉस्ट दुनिया भर में कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ यू नो इनोवेशन इन सोलर। और उसकी, लेकिन सिर्फ इनोवेशन आपको सोलर बनाने में, पैनल्स बनाने में नहीं करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी। सो ये सारे काम करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, और उन सबको आपस में मिलने के लिए क्लस्टर चाहिए जहाँ पर वो इकट्ठे हों। तो अभी जो है, अगेन यू नो वी आर फ्यू क्लस्टर्स, वी आर
few spots, इनको हमें इकट्ठा करना है, बड़ा करना है. One more thing important that normally मैंने incubation centers में देखा ये है कि they are more computer focused startups. Computer based जहाँ पे software जो है वो involved होता है. Is this national incubation center is also focusing on computer based startups or any other areas are also there? देखिए innovation का काम है problem को solve करना via technology, right? So 90s में जब internet आया तो पहला problem ये था कि लोग आपस में बात कैसे करेंगे. So आपने email invent किया, फिर आपने you know वो chat के लिए ICQ, MRC इस तरह की चीज़ें आईं. उसके बाद social networks आए और उसके साथ साथ Wikipedia और platforms आए जहाँ पे knowledge भी accumulate हो रही है. So जो technology की evolution है उसमें ये कि पहले information globalize हो गई और digital हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप ये हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक डिजिटल लेयर भी क्रिएट करनी है ऊपर, लेकिन साथ साथ उसके अंडरलाइंग ऑफलाइन लेयर भी है. सो मिसाल के तौर पे आप पिछले कुछ सालों में उबर, करीम और इस तरह की जो कंपनीज आई हैं लॉजिस्टिक्स वाली, सो ये फिजिकल लेयर भी एक उसके साथ कनेक्ट होती जा रही है. नेक्स्ट लेवल पर जो है सो जो एक्चुअल प्रोग्रेस होनी है वो आई थिंक अगली 20 ईयर्स आर मोर अबाउट बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी. उसके अलावा सो द एरियाज अभी जिसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लोरेशन आनी. सो हमें ये देखना है कि एज इनोवेटर्स के दो चीज़ें, दो एरियाज़ हैं. एक ये कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं. हमारी जो पॉपुलेशन का 90% है, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन नीड्स को हम कैसे सर्व कर सकते हैं बाय डिप्लॉइंग टेक्नोलॉजी. यू नो बिजली आपको 2 रुपये पर यूनिट में कैसे मिल सकती है, घर आपको 2 लाख रुपये में कैसे बना बनाया मिल सकता है, और आपको पानी कैसे, रनिंग वाटर मिल सकता है, क्लीन कैसे हो सकता है, एयर कैसे क्लीन हो सकती है. सो ये चैलेंजेस इनको एड्रेस करना है. और दूसरी साइड पे हमें ये देखना है कि ग्लोबली कौन सी मार्केट्स में ग्रो कर रही हैं. रोबोटिक्स ग्रो कर रही है, ब्लॉकचेन के अंदर ग्रोथ है, IoT के अंदर ग्रोथ है. तो वो एरियाज़ में भी हमें इनोवेशन करनी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम दुनिया को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो सब कुछ इम्पोर्ट करेंगे तो तब भी हम गरीबी रहेंगे. सो हमें एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है और हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और इन दोनों कामों करने के लिए हर तरह के इनोवेटर्स और साइंटिस्ट की जरूरत है. और हम भी सपोर्टिंग यू नो नॉट जस्ट एप्स बट अंडरलाइंग जो ऑफलाइन रिक्वायरमेंट्स हैं अपग्रेड करने की चीज़ों को. Great. What is the size of market that you see in Karachi? I mean, as you said that you have got 40 startups capacity that you can accommodate here. So, aap waise Karachi mein kitni badi market dekhte hain startups ki, aur I mean, how much you can contribute to facilitate them? Dekhiye, isme wo jab aap marketing padhte hain to shuru mein ek kahani padhai jati hai ki ek banda kisi Africa ke mulk mein gaya, kisi island pe gaya, aur usne dekha ki wahan pe बहुत कम लोगों ने जूते पहने हुए हैं. तो उसने कहा यहाँ पे तो कोई मार्केट ही नहीं, कोई जूते नहीं खरीदता. और एक और बंदा गया उसी मार्केट में, उसी आइलैंड पे, उसी कंट्री के अंदर, और उसने देखा कि बहुत थोड़े लोगों ने जूते पहने हुए हैं. तो उसने कहा बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे तो सबको जूते खरीदने की ज़रूरत है. सो हमारे मुल्क के अंदर जो है हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और ऑल ऑफ दीज हमारा शहर मिसमैनेज है, हमारी एजुकेशन सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, हमारा हेल्थ का केयर का सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो हर लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए हमारा काम यह है कि हम वो फनल क्रिएट करें जो कि हमारे मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स को के सामने से ऑब्स्टिकल्स हटाएं और उनके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करें ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. अभी जो है मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में कहते हैं कि इनोवेशन नहीं होती है. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सोसाइटी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम एज बायर्स इनोवेशन खरीदने के लिए तैयार नहीं है. चाहे हमारा पब्लिक सेक्टर हो, चाहे हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे हम लोग खुद अपनी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर हों, तो हम चाहते हैं कि वही चीज़ खरीदें जो हमने पहले से देखी हुई हो, जो पहले किसी ने की हुई हो. जिसका मतलब है कि वो बंदा इनोवेट ना करे, वही करके दिखाए जो उसने पहले किया हुआ है. चाहे वो हमारे आर्किटेक्ट हो, हम आर्किटेक्ट से जाके भी कहते हैं कि वो वाला घर बनाए जैसे आपने वो मेरे दोस्त का घर बनाया, बिल्कुल वैसे ही बना के मुझे दें, इससे चेंज ना करें, क्योंकि आई रियली लाइक दैट. और हमारा पब्लिक सेक्टर भी ये कहता है कि आपने प्री क्वालिफाई करना है तो आपने ये काम पहले कितनी बार किया हुआ है, आपका स्केल है कि नहीं है. सो इस सारे प्रोसेस के अंदर नई कंपनीज और नई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने आप को ग्रो करना जो है बड़ा चैलेंजिंग है. और फिर उसके अंदर सो एसेंशियली इनोवेशन करना, इनोवेशन बेचना बहुत मुश्किल है. और हमने बार बार ये देखा है कि जब भी यू नो पिज़्ज़ा लोग जब खाने लग जाते हैं, डिमांड करते हैं, तो बहुत सारी पिज़्ज़ा कंपनीज आ जाती हैं. अगर हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हम लोग प्राइवेटली इनोवेशन डिमांड करने लग जाएंगे तो इनोवेटर्स भी आ जाएंगे. सो आर जॉब इज़ टू यू नो कन्विंस ऑल दीज प्लेयर्स
कि आप जो है सिर्फ प्री क्वालिफाई ना करें, आप इनोवेटर्स ढूंढें और उनको बिल्ड करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें. आपका भी फ़ायदा है बिकॉज आपके यू नो वेंडर बेस बढ़ेगा, सप्लाई चेन बढ़ेगी. मुल्क का भी फ़ायदा है बिकॉज नए बिजनेसेस क्रिएट होंगे और फिर वो बिजनेसेस जाके एक्सपोर्ट भी करेंगे. सो हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट्स भी इसीलिए नहीं होती हैं क्योंकि जब हम लोकली इनोवेशन नहीं खरीदते तो इनोवेटर को यहीं पे स्पेस नहीं क्रिएट होती है, तो उसने बाहर जाकर क्या बेचना है. इसीलिए हम जो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं वही चीज़ें करते हैं जो बिल्कुल बेसिक कमोडिटी लेवल की होती हैं, क्योंकि उसके अंदर इनोवेशन के बगैर ही वो बेच रहे. आई मीन दैट्स अ फैंटास्टिक एंड फैबुलस अप्रोच टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट आई रियली लाइक द वे यू एक्चुअली आर थिंकिंग. आई मीन एक होता है जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल व्यू पॉइंट, और एक होता है दैट यू नो यू टेक समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ समथिंग नेगेटिव दैट्स गोइंग ऑन. And that's very nice of you. What is the average cycle, time cycle that you engage a startup here? So, hamara jo cycle hai wo 6 months ka, extendable to 1 year. So, ye ideation level pe hote hain, ye apne product bana chuke hote hain kya? Dekhiye, so preference ke lihaz se, so mera is waqt opinion nahi, hypothesis ye hai ki hamare mulk mein scaling up is a bigger challenge than starting up. तो स्केलिंग अप का मतलब ये है कि वो कंपनी ने ऑलरेडी, वो ऑर्गेनाइजेशन ने, स्टार्टअप ने ऑलरेडी प्रोडक्ट बना लिया है, उसके कुछ एक्टिव यूजर्स हैं, कुछ रेवेन्यू है, कुछ टीम है, सो समथिंग इज़ हैपनिंग एंड वो वैलिडेट हो गई है. सो वी लुकिंग फॉर कंपनीज जो कि अपनी साइकिल के थोड़ा सा आगे हों, ताकि जिनके चैलेंज ये है कि उन्होंने बड़ा कैसे होना है और उसके लिए उनको क्या रिसोर्सेज चाहिए और क्या हेल्प चाहिए. सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही यू नो अर्ली स्टेज को हम इग्नोर करेंगे, बट मोर ऑफ एन एक्सेलरेटर देन एन इनक्यूबेटर. एंड व्हाट अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, आई मीन हाउ अ स्टार्टअप इज सिलेक्टेड एंड इनक्यूबेटेड हियर और गिवन अ चांस हियर. देखिए, सो हमारा प्रोसेस ये है कि वी हैव एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप nickarachi.com पे चले जाएं और वहाँ पे अप्लाई का बटन है, या bit.do/nickarachi पे चले जाएं तो वहाँ पे यू कैन फिल अप दैट फॉर्म. एंड उसके बाद उनमें से हम हमारे स्टार्टअप ग्रोथ एडवाइजर्स उनके साथ मिलकर शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टार्टअप्स, वो फिर एक ज्यूरी के सामने प्रेजेंट करेंगे, वो जजेस उनको रेट करेंगे, उनमें से फिर जो बेस्ट स्टार्टअप्स होंगी वो सिलेक्ट होंगी. व्हाट वी लुकिंग फॉर इज़ कि आपके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए और कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू बिल्ड अ लार्ज एंटरप्राइज. सो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, आपकी टीम कैसी है, टीम कॉम्पोजिशन सही है नहीं है, आप जिस मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं कि वो मार्केट बड़ी है कि नहीं है, आपने अभी तक कुछ आपकी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आपने बिल्ड कितना किया हुआ है, आपने ट्रैक्शन से फ़ायदा, अगर आपकी ट्रैक्शन है, आपने कुछ यूजर्स वगैरह इंगेज किए हैं, तो हमें ये पता चलता है कि अच्छा यू नो आपको भी समझ है, आपकी टीम भी सही है, लोग उसकी डिमांड भी कर रहे हैं. सो ये सारे एलिमेंट्स जब साथ आते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो फिर क्वेश्चन आता है कि यू नो NIC आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है इन स्केलिंग अप. उसके अंदर हमारा जो अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट दैट कि हम लोग का फोकस स्टार्टअप्स जो कि सोच रही हैं NIC के बारे में, वो ये ना सोचें कि अगर मैं बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हूँ तो मुझे NIC जाना चाहिए. आपको हमारे पास हर स्टेज पे आके बात करनी चाहिए. अगर आपने $500,000 रेज कर भी लिए हैं तब भी आप आएँ, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे वैल्यू एडिशन है जो हम कर सकते हैं आपके साथ, आपकी पार्टनरशिप्स के लिहाज से, आपको लोकल फॉरेन इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करने के लिहाज से. और उसमें भी एक्चुअली होता है कि कनेक्ट करना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, राइट? सो वी प्ले द रोल ऑफ अ फनल जिसके अंदर यू नो कनेक्ट करना टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम विद द राइट पिच. सो बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटीज, तो हम दोनों साइडों को फिल्टर करके और सही जगह पे कनेक्ट करते हैं. एंड दैट मींस दैट व्हेन अ स्टार्टअप कम्स इन, स्पेंड 6 मंथ विद यू, उसके बाद उसको मजीद आगे लेके जाने के हवाले से या स्केल करने के हवाले से, आई मीन हमारा कोई रोल रहता है, यानी NIC का कोई रोल रहता है आफ्टर देयर? देखिए, सो वी आर टेकिंग स्मॉल इक्विटी इन द कंपनीज दैट कम टू अस. सो और वो ऑप्शन है आपके पास, आप 0-5% आप पिक करते हैं कि आप कितनी इक्विटी देंगे. सो हम एक्चुअली जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें वो भी देखते हैं कि आप क्या इक्विटी देने पर तैयार हैं. और उसके अंदर होता है कि वी बिकम अ स्टेक होल्डर. सो ये 6 मंथ्स का प्रोसेस नहीं है, हम लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपके साथ, जो हमारे साथ कंपनीज आएंगी. और एक्चुअली इक्विटी बिल्ड करने का भी मकसद यही था कि मेरे एक्सपीरियंस में पहले भी हमने जो स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स में भी एक्सपीरियंस किया जहाँ पे नहीं इक्विटी लेते. सो कुछ जगहों पे लेते हैं, कुछ पाकिस्तान में अभी कुछ जगहों पे ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे. जब नहीं लेते तो जब स्टार्टअप की कॉन्वर्सेशन इन्वेस्टर्स स्टार्ट हो जाती है तो आप एक थर्ड पार्टी बन जाते हैं जो कि अच्छी तरह एडवाइस भी नहीं दे सकता, बिकॉज ऐसे लगता है जैसे शायद आप इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी कॉन्वर्सेशन में.
So that's why we want to be a stakeholder, even if it's a small portion, taake we can say, we are a stakeholder and this is a this deal is not going to work out. The sole purpose of that involvement is just, you know, to push or to support. To push and support to build that company into a large enterprise. And so initially, our thought was that if we don't take equity, then we'll be able to attract better startups. But the problem is that attraction, after their relationship, आगे वाले रिलेशनशिप उनके बिल्ड करने हैं, अगर हम स्टेक होल्डर नहीं होते तो हम उनकी हेल्प करने में मुश्किल हो जाती है. सो दैट्स व्हाई वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड सिक्स मंथ्स नहीं है, सो एक्चुअली द प्रोग्राम इज कि आप सिक्स मंथ्स के लिए इंक्यूबेट होते हैं. आपको उससे पहले भी अगर आप सब्सटेंस नहीं शो कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं शो कर रहे हैं, तो आपकी KPIs आप मीट नहीं कर रहे हैं, तो एलिमिनेट हो सकते हैं. सो इट्स नॉट कि आपने डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, अब आप सारी उम्र के लिए आ गए हैं. अगर आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे तो आप रहेंगे. अगर हमें लगता होगा कि अगर हमारे जजेस को, ज्यूरी को, कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, यू आर शोइंग सक्सेस एंड ग्रोथ, तो देन एफर्ट कर रहे हैं. अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम गुजारने के लिए आ रहे हैं, तो यू नो एलिमिनेशन का प्रोसेस इनकंसिस्टेंट है. एलिमिनेशन का प्रोसेस भी, और दूसरा ये कि अगर आप कर रहे हैं प्रोग्रेस, तो 6 महीने को एक्सटेंड हो जाएगा टू 1 ईयर. और एंड ऑन गोइंग बेसिस पे भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे इवन आफ्टर दैट. एंड व्हाट अबाउट वन लास्ट थिंग, दैट टेक्नोलॉजी या मूवमेंट डेवलप जब कर रहे होते हैं, तो जो इनएक्सपीरियंस बच्चे होते हैं या जो भी लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स कर रहे होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बिजनेसेस की तरफ से आ रहे हों, तो वहाँ पे उनको मुझे देखा ये है कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो उस वक्त उनको जो है वो चैलेंजेस होते हैं, दे आर नॉट दैट मेच्योर डेवलपर्स. सो NIC में क्या हम इस तरह की कोई उनको फैसिलिटेट करने की पोजिशन में है, दैट हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. देखिए, हम लोग बिजनेस की नर्सरी नहीं है, हम बिजनेस की यूनिवर्सिटी है. ठीक है, तो हम जो बच्चे हैं और जो इमेच्योर हैं और जो इनकेपेबल हैं, हम उनको ढूंढ ही नहीं रहे. सो वो हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आएंगे नहीं. सो वी आर ओनली लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स हु आर कमिटेड, हु हैव सब्सटेंस, हु इनकी टीम के अंदर डोमेन नॉलेज है, एक्सपर्टीज है. सो यू कैन सी एस मोर ऑफ यू नो एज समबडी हु इज थिंकिंग, यू नो, विल आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट. नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कह रही है कि अच्छा हम हेल्प किस. सो वी नॉट इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल, वी इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन यू आर टाइम, एनर्जी, एफर्ट to make you successful. So we will obviously, जो भी हमारे पास applicants आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, so we are reaching out to people as well. और जो आ रहे हैं उनके अंदर से we are looking for who are the ones who have the most likelihood of success. और उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि पाकिस्तान को और हमारे ecosystem को successes की ज़रूरत है. हम अगर मल्टीपल सक्सेसेस क्रिएट करेंगे, तो फिर उसका यू नो फॉलो आउट ये होगा कि और लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी. अगर हम सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर्स बनाते रहेंगे और सक्सेसेस नहीं आएंगी, तो ये भी लोग भी डाई आउट कर जाएंगे. सो और ग्लोबली भी इकोसिस्टम इस तरह से बनता है कि जिस तरह जब गूगल का IPO हुआ, तो उसके आउटकम में 1,000 millionaires केम आउट, और वो मिलियनर्स जो टेक्नोलॉजी से जिन्होंने पैसे कमाए थे, उन्होंने री इन्वेस्ट किया. सो मोस्ट लाइकली हमारे इकोसिस्टम के अंदर भी जब सक्सेसेस आएंगी, तो उसी में से जो यू नो टीम मेंबर्स होंगे, फाउंडर्स होंगे, जो उनके आगे एम्प्लॉयज़ होंगे, जिनको उसमें इक्विटी मिली होगी, तो वो एग्जांपल्स भी बनेंगी, और प्लस ये कि वो कैश भी वापस री इन्वेस्ट करेंगे. सो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन राइट नाउ फ्रॉम एन इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव, वी फोकस ऑन क्रिएटिंग दोज यू नो बिग हिट्स एंड बिग सक्सेसेस. Great. That's all from you know NIC point of view. One last thing that I would like to ask, that as I told you about Tech Pakistan, that we are just trying our best, whatever in our capacity we can do in the same domain in technology space. A few word about Tech Pakistan, if you can say something. देखिए, हम लोगों को technology sector में community build करने की ज़रूरत है, और आप लोग ये काम कर रहे हैं. I'm very happy to hear about your effort. And जो आप मीटअप्स कर रहे हैं, सो इवेंचुअली ये जो मीटअप्स हैं, दिस इज़ what is needed. क्लस्टर जो होता है वो यही होता है कि वहाँ पे मीटअप्स ज़्यादा ऑर्गेनिकली और आसानी से होने लग जाए. अभी ये होता है कि लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है. सो अगेन ये उसका अर्ली सीड है. सो आई एम होपिंग कि हम कोई नॉर्दर्न एरियाज में एक बड़ा सारा शहर भी बना सकेंगे, जहाँ पे हम सारे इकट्ठे हो सकें एक जगह पे. I mean, we aim. देखें, ख्वाब देखना तो अच्छी बात होती है. एंड यू नो यू स्टार्ट ड्रीमिंग, यू स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स, एंड समडे यू अचीव देम. लेकिन पहले ख्वाब होता है, उसके बाद आउटकम होती है. सो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शाहजहान साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से दिया. थैंक यू वेरी मच. नाइस मीटिंग यू. थैंक यू वेरी मच.